जे जगन्नाथ फ्रेंड्स आसंतु जानिबा 2023 आपन को पई केमिति रहिबो आपन पुरुणा वर्ष को भूली नुआ वर्षर आरंभ करिबे 2023 रे केउ सामग्री घर को किणिके आनिले पूरा वर्ष आम घरे धनर भंडार परिपूर्ण होई रही थाए सुख भयोब ऐश्वर्य आम को लाभ होइथाए। एई भिडियो रे मु आपन को कहिबी देखंतु एमिति कि बहुत प्रकार रो सामग्री अछि नुआ वर्ष दिन बहुत शुभ दिन मानि घर को किणिके आनिथांति तो यही सामग्री आनिबा द्वारा आपन को जीवन रे बहुत परिवर्तन होइथाए। आपन को जीवन रे एमिति एक मड़ आनिथाए तो आपन निजको बदलिबार स्वयं देखि पारिबे। आज मु एई भिडियो रे 5-7 जिनिष विषय रे कहिबी एहा मध्यरु आपन जे कोनसी गोटिए वस्तु आपन को घर को आनंतु आपन देखिबे 2023 रे आपन को घरे धन संपत्ति वैभव शांति सुख प्राप्त हेबो जहा कि आपन कल्पना करि पारिबे नाही। तो आसंतु जानिबा 2023 रे एमिति केउ सामग्री आनिले आमर आध्यात्मिक उन्नति हेबो धन संपत्ति रे परिपूर्ण हेबो। फ्रेंड्स एहा हेउची कलिजुग आपन को पाखरे जदि धन संपत्ति अछि तो आपन को लोक माने इज्जत दे थांति जेते बड़ व्यक्ति हेउना कहीं कि आपन को पाखरे जदि पैसा नाही आपन को उपरे हसी थांति आपन को मजाक नहीं थांति। तो ही कलिकाल रे धन रहिबा बहुत जरूरी अटे आपन परिश्रम करंतु किछि कथा नाही परिश्रम करबा सहित किछि एमिति सामग्री अछि जहा को घर को किणि आनिले परिश्रम तुलना रे हजार गुणा फल प्राप्त हेब। तो आसंतु जानिबा नुआ वर्ष दिन केउ जिनस किणी करि आनिबा आम घर रे बहुत तेज रे धन संपत्ति रे परिपूर्ण हेब ओ सुख शांति रो वातावरण लागि रहिब। जदि फ्रेंड्स आपण चाहुचंती मा लक्ष्मी आपण को गृह रे स्थायी भाव रे बास करंतु तो आमर ए वीडियो रे कुआ जायतिबा 5-7 जिनस मध्यरु गोटिए जिनस निश्चय किणी करि आनंतु ए नुआ वर्ष रे। सेति पई फ्रेंड्स वीडियो शेष पंत निश्चय देखंतु निश्चित भाव रे जानिबा से सब विषय रे ता पूर्वरु ए वीडियो गोटिए लाइक करंतु तो जदि पारिबे ए भिडियो को अन्य मानक स शेयर मध्य करंतु जहा कि अन्य जणकर लाभ होइ पारिबो से माने मध्य एहार फायदा उठाई पारिबे जणकर मंगल कले आपणकर भगवान मंगल करथांति। तबे चलंतु फ्रेंड्स आजर भिडियो आरंभ करबा। तबे सर्वप्रथम सामग्री टी होउछि सुआर चित्र। सुआर चित्र कोन पई घर को किण कि आनिबा उचित अटे एहा पछरे एक कहानी मध्य अछि देखंतु जे सुआ अटंती सुख कहा जाए सुख अर्थात सुखदेव मुनिंकर एथिरे बास होइथाए। एमिति माना जाए कि आपण को घरे जदि छोट पिला अछंती बा आपण कोनसी भल जॉब पई प्रस्तुत करुछंती जदि आपण को पाठ पढ़ा रे मन लागु नाही बा मझिरे मझिरे कोनसी समस्या आसुथाए बा आपण को घरे जे छोट पिला अछंती सेमान को पाठ पढ़ा रे मन लागु नाही तो एही नुआ वर्ष दिन आपण सुआर चित्र आनंतु एवं घरर उत्तर दिगरे आपण सुआर चित्र लगाइ दियंतु। एमिति माना जाए उत्तर दिगरे जदि आपण नुआ वर्ष दिन सुआर चित्र आनी घरे लगाइथांति तो एहा द्वारा पढ़ुथुवा पिलामानंकर मन पढ़ापढ़ीरे विशेष मन लागिथाए घरे आपणक मध्यरे प्रेम पड़िथाए सौभाग्य प्राप्त होइथाए। सुआ को दरिद्रर नाश कहा जाए आपणक घरे कोनसी व्यक्ति बीमाररे बहु समय धरि पड़िछंति दरिद्रता लागि रहुछि तो एही सुआर चित्र रखिबा द्वारा एहाकु नाश करिथाए। वास्तुशास्त्र अनुसारे सुआ को बहुत उत्तम पक्षी कुआ जाइअछि जेउ स्थानरे सुआर चित्र रखा जाए सेही स्थानरे केबि भी दरिद्रर बास होइ नथाए। सेथिपई फ्रेंड्स सुआर चित्र नुआ वर्ष दिन निश्चय घरकु आणन्तु। तेबे द्वितीय सामग्रीटी होउछि शंख। हाँ फ्रेंड्स ध्यान से शुणन्तु हिंदू धर्मरे शंख को बहुत पवित्र माना जाए एहा त आपण जानिथिबे एमिति काहेकि माना जाए कारण समुद्र मंथन समय शंखर उत्पत्ति होइथिला ओ 14 रत्न मध्यरे शंखर गणना होइथाए। शंख को स्वयं भगवान विष्णु धारण करिथांति एमिति माना जाए कि जेउ शंख होइथाए तो एथिरे माता लक्ष्मीकर बास होइथाए। जेउं घरे शंख को बजा जाइथाए तो सेही घरे शंखर ध्वनिरे वातावरण पवित्र होइजाइथाए। सेही घरे जेते भी प्रकारर नकारात्मक शक्ति थाए तो सबुर नाश होइजाइथाए। तो वर्ष 2023 रे प्रथम दिन जनवरी 1 दिन आपण को शंख को निश्चित भाव घर को किणि आणतु कारण घरे शंख रखा द्वारा ये बीमारु बचाई थाए और आपण को घरे जो छोट पिला चिड़चिड़ा होती तो यह बचारे काम करथाए। यह छड़ा जबरदस्त फायदा होउची जदि आपण को घरे तंत्र मंत्र जादू लागिबा को देई नथाए। यह व्यतीत शंख मा लक्ष्मी को घरे स्थायी रूपे रखिथाए अर्थात आपण को घरे जदि 100 टंका इनकम करथांती
किंतु 150 टंका खर्च हो जाए तो यही प्रकार खर्च को रोकिबार काम करिथाए अतिरिक्त खर्च को रोकिबार काम करिथाए एहाद्वारा आपणको घरे सुख शांति वैभव सबुबले बास होइथाए पूरा वर्ष बास करिथाए तो आपण आपणको घर को शंख किणिकी निश्चय आणंतु आपणको बहुत बेनिफिट पहुँचाइब। तबे तृतीय सामग्रीटी होउछि भगवान गणेशंकर मूर्ति नुआ वर्षरे घरे सुख समृद्धि रखिबा पाई भगवान गणेशंक प्रतिमा निश्चय किणिकी आणिबा उचित अटे। भगवान गणेश मूर्ति स्थापित करिबा उचित कारण भगवान गणेश आम पाई पूजनीय अटंती आराध्य देवता अटंती एमिती माना जाए कि जेऊ घरे नुआ वर्ष दिन गणेश भगवान को मूर्ति किणिकी अणा जाए सेही घरे समृद्धि वृद्धि बास करिथाए कारण भगवान गणेशंक सर्वप्रथम पूजनीय देवता अटंती सर्वप्रथमे भगवान गणेशंकर पूजा आमे करिथाउ। भगवान गणेशंकु मंगलकारी स्वरूप कहुजाए भगवान गणेश सबुबले मंगल प्रदान करिथांती आपण चाहुचंती कि आपणको जीवन रे मंगल आसु आपणको जीवन रे धनर अभाव दूर हो तो सेथिपई भगवान गणेशंकर फटो किबा मूर्ति नुआ वर्ष दिन आपणको घर को निश्चित भाबरे किणि आणंतो। तेबे चतुर्थ सामग्रीटी होउची तुलसी गछ लगाइबा। फ्रेंड्स हिंदू धर्म रे तुलसी गछ को बहुत पवित्र माना जाए यह तो आपण जानिथिबे। मान्यता अनुसार निमित्त रूप से तुलसी गछ को पूजा आरती करिबा द्वारा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को कृपा सदा सर्वदा बनी रही थाए एथिपई नुआ वर्ष रे तुलसी गछ आपणको घरे अवश्य लगांतो एहाद्वारा घरे सुख और मंगल बास करिथाए। जो मानकर आध्यात्मिक उन्नति हो पारना जो लोक आग को बढ़ी पारना जो लोक चाहती जे नुआ वर्ष भलरे कटु नुआ वर्षटी शुभ रहू तो नुआ वर्ष दिन आपण कौन सी मंदिर पाखक जातु जो मंदिर अच्छे सेठा को जातु एवं सेठारे गोटे बा दुईटी तुलसी गछ लगातु एवं आपण घरे गोटे बा दुईटी तुलसी गछ निश्चय लगातु। जदि आपण चाहती अन्य वृक्ष नुआ वर्ष दिन निश्चय लगातु जो प्रकार वृक्ष बढ़िया आरंभ होपर आपणकर आध्यात्मिक उन्नति होगा आरंभ हो तो तुलसी गछ सह कौनसी वृक्ष रोपण करंतु 2023 वर्षटी आपण अत्यंत शुभमय मंगलमय हेबो। तेबे पंचम सामग्रीटी होउछि मयूर पंख। हाँ फ्रेंड्स भगवान श्रीकृष्ण अति प्रिय मयूर पंख आपण देखिथिबे भगवान श्रीकृष्ण मयूर पंख मुकुट रे धारण करिथांति तो एमिति माना जाए मयूर पंख द्वारा माता लक्ष्मी आकर्षित होइथांति तो नुआ वर्ष दिन उत्तर दिगरे आपण आपणको घरे मयूर पंख आणिकी लगाई दियंतु। बिल्कुल जदि उत्तर दिगरे एहाको लगाई थांति तो आपणको घरे जेतक नेगेटिव शक्ति को टाणी आनी थाए आपणको घरे धनर अभाव केबे रही नथाए धन वैभव को शीघ्र बढ़ाबारे काम करिथाए। तेबे षष्ठ सामग्रीटी होउछि चांदीर हाथी। नुआ वर्ष दिन आपण आपणक घर को नहीं आसंतु ज्योतिष शास्त्र अनुसार जदि चांदीर निर्मित हाथी को घर को किणी आनिथांती तो बेपार और चाकरी एही दुईटी रे बहुमात्रा रे उन्नति होइथाए घरे शांति तथा सुखर बास सबुबेले बास करिथाए। जदि सबु व्यक्ति चाहुथंती घरे सुख और शांति वैभव सबुबेले बास करू तो चांदीर हाथी आपणक घर को किणिकी नै आसंतु तो एहा द्वारा आपणक घरे सुख और वैभव शांति सबुबेले बास करिथाए। तेबे सप्तम सामग्रीटी होउछि धातु रे तयारी कचिम। सर्वप्रथमे धातुरे तयारी कचिम नुआ वर्ष जानुरी 1 तारिख दिन नै आसंतु आपणक घर को जेकोणसी धातुर कचिम हेले चलिबो जेपरिकि चांदी पीतल कंसा एही धातु को आनी पारिबे एहाको बहुत शुभ माना जाए तो धातुर कचिम आपणक घर को किणी आणंतु। तो जदि आपण धनर कामना करबाकु चाहुचंती तो एहाको उत्तर दिगरे रखंतु सुख शांतिर कामना पाई एहाको पूर्व दिगरे रखंतु। जदि आपण चाहुचंती आपणक घर स्वास्थ्य जनित समस्या चली जाउ तो आपण एहाको पश्चिम दिगरे रखि पारिबे किंतु सर्वप्रथमे आपणक कहिबाकु चाहिबि धातुर कचिम जदि आनिथांती तो एहाको स्नान करंतु। स्नान करिसारिबा परे गायत्री मंत्र जप करंतु किंबा मां लक्ष्मीकर मंत्र जप करंतु तो एहा परे एहाको उत्तर दिगरे रखंतु। जदि आपण एहाको उत्तर दिगरे रखिथांती तो एहा आपणक धन को बढ़ाइबारे काम करिथाए। तेबे सप्तम सामग्रीटी होउछि गोमती चक्र। हाँ फ्रेंड्स एही गोमती चक्र साधारण पत्थर परी देखा जाइथाए। गोमती चक्र घर को आणिबा द्वारा कौनसी
ଶତ୍ରୁର କୌଣସି ବି ବାଧା ଲାଗିନଥାଏ। ଏହାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଆଣି ସିନ୍ଦୁର ଡବାରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ଏଗାରଟି ଗମତି ଚକ୍ରକୁ ସିନ୍ଦୁର ଡବାରେ ଯଦି ଆପଣ ରଖିଥାନ୍ତି, ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତ ଏହାକୁ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ତେଜୋରିରେ ବି ରଖିପାରିବେ, ଆଲମିରାରେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ତ ଏହାଦ୍ୱାରା 2023 ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନ ଦୌଲତର ବାସ ସବୁବେଳେ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନ ଦୌଲତର କମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଲଘୁ ନଡ଼ିଆ ବା ଶ୍ରୀଫଳ ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ ଯଦି ଆଣନ୍ତି, ତ ଏହି ଲଘୁ ନଡ଼ିଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ତେଜେରିରେ ରଖନ୍ତି, ବିଲକୁଲ ହିଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଘରେ ଧନ ବୈଭବ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବାସ ସବୁବେଳେ ପୁରା ବର୍ଷ 2023 ବନି ରହିବ। ଲଘୁ ନଡ଼ିଆକୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ମାନାଯାଏ, ଶ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଯେଉଁ ଲଘୁ ନଡ଼ିଆ ହୋଇଥାଏ, ତ ଏହାକୁ ଶ୍ରୀର ପ୍ରତୀକ ମାନାଯାଏ। ତ ଏଗାରଟି ଲଘୁ ନଡ଼ିଆକୁ ଲାଲ କଲର୍ କପଡ଼ାରେ ରଖି ଏହାକୁ ଆପଣ ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ, ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ବା କୌଣସି ଶୁଭ ସ୍ଥାନରେ ଘରେ ରଖିପାରିବେ। ବିଲକୁଲ ପୁରା ବର୍ଷ 2023 ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନ ଦୌଲତ ବୈଭବର ବନି ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ବି ଧନ ଦୌଲତ କମ୍ ହେବ ନାହିଁ, ନିରନ୍ତର ଧନ ଦୌଲତ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେତେ ବି ସାମଗ୍ରୀ ବିଷୟରେ କହିଲି, ତ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ସାମଗ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ କିଣି ଆଣନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ନୂଆବର୍ଷ ଧନ ଦୌଲତ ସୁଖ ବୈଭବ ପୁରା ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ପରିଜନଙ୍କ ସହ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତୁ। ଯଦି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।